हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कटहल के कोआ को कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा सरसों का तेल। ये देखिए इस तरह से, और जिस चाकू से मैं इसको काटूंगी उसमें भी थोड़ा सा सरसों का तेल इस तरह से लगा लेंगे और चाकू को इस तरह से चिकना कर लेंगे। ये जो कटहल मैंने लिया है एकदम पका हुआ है, इसी तरह का कटहल चाहिए हमको, तभी हम अच्छा सा कोआ निकाल पाएंगे। अब कटहल को इस तरह से बीच से कट लगा देंगे। कटहल के बीचों बीच एक मोटा सा डंडा होता है, उसमें भी हमको कट लगाना पड़ेगा, तभी ये कोआ हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। ये देखिए ये अभी निकल नहीं रहा है। जो कटहल का हार्ड पार्ट होता है उसको इस तरह से काटेंगे, अभी भी ये नहीं निकल पा रहा है, इसको हमको बीच से और काटना पड़ेगा। ये देखिए अभी बहुत टाइट है, इस तरह से बीच से इसका जो मोटा सा एक पार्ट होता है उसको काटेंगे तो ये कोआ आराम से निकल जाएगा। ये देखिए अब हम इसको चाकू के हेल्प से इस तरह से काट करके इसको सबसे पहले निकाल लेंगे, क्योंकि जब तक हम इसको नहीं निकाल पाएंगे तब तक कोआ हमारा नहीं निकल पाएगा। तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए इसको निकालने के बाद कोआ आराम से फैल गया। और इसी तरह से दूसरे साइड का भी निकाल लेते हैं। ये वाला पार्ट हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये किसी काम का नहीं है और ये कोआ को रोक के रखता है, तो इसको सबसे पहले निकालेंगे तभी कोआ हम निकाल पाएंगे इसमें से। ये देखिए इसका भी मैंने निकाल दिया, अब इसका भी कोआ खुल गया पूरी तरह से। थोड़ा सा बचा हुआ है इसको भी अच्छे से निकाल लेते हैं। ये देखिए और दोनों साइड का मैंने निकाल दिया है इसमें से मोटा वाला पार्ट, अब ये कोआ बहुत आसानी से निकल जाएगा। इस तरह से हाथ में लेके नीचे से दबाते हुए सारे कोआ को ऊपर कर देंगे और एक एक कोआ निकालते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसको निकालने में कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, बहुत आसानी से निकल रहा है। और ये जो उसके ऊपर का जाला है इसको भी खा सकते हैं, ये बहुत मीठा होता है, लेकिन मैं जाले को अलग करके सिर्फ कोआ रखी हूँ इसमें खाने के लिए। और ये देखिए एक एक कोआ को मैंने इस तरह से साफ कर दिया है, बहुत बड़ा बड़ा कोआ निकला है इसमें से, बहुत बड़ा कटहल था ये। तो आपने देख ही लिया होगा कटहल का कोआ बहुत आसानी से हम कैसे निकाल लेते हैं। थोड़ा सा सरसों का तेल यदि आपने हाथ में और चाकू के ऊपर लगा दिया तो ना ही हाथ में ये लाशा इसका चिपकेगा और ना ही चाकू में चिपकेगा, और इसी तरह से आसानी से कोआ को हम निकाल सकते हैं। ये देखिए एक तरफ का कोआ मैंने निकाल लिया है। उम्मीद करती हूँ अब आपको कोआ निकालने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और बेझिझक आप कटहल घर में ले आकर के कोआ निकाल सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक तो बनता ही है। अभी तक जो फ्रेंड्स मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। एक साइड का सारा कोआ मैंने निकाल लिया है और इसका जाला भी निकाल दिया, अब दूसरे साइड का निकाल लेते हैं। दूसरे साइड का जो भी कोआ मैं निकाल रही हूँ उसका जाला मैं नहीं साफ कर रही हूँ, क्योंकि ये भी खाने में बहुत मीठा लगता है और बहुत से लोग इसको खाते हैं, तो इसी तरह से इसको भी निकाल के रख लेते हैं। बस थोड़े ही देर में आप देखेंगे कि कटहल का सारा कोआ मैंने आसानी से निकाल लिया है, इसको निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। ये देखिए ये जो पका हुआ कटहल मैंने लिया है ये पेड़ का पका हुआ कटहल है, कटहल बहुत मीठा है। सारा कोआ निकालने के बाद जो भी इसका वेस्ट बचा हुआ है इस तरह से इसको पेपर में लपेट देंगे और इसी तरह से इसको फेंक देंगे। हाथ को किसी भी न्यूज़पेपर से या कपड़े से साफ कर लेंगे, एकदम साफ हो जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। देखा आपने कितना सारा कोआ मैंने निकाल करके रखा है। इस तरह से आप भी कोआ घर में निकाल सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।